नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी मोहन के योद्धाओं की। जी हां, डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और इस मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन भी दिखा। मालवा निवाड़ को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिली और इस अंचल से 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया, तो मध्य क्षेत्र से 6 विधायक मंत्री बने और ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, बुंदेलखंड से 4-4 विधायकों को मौका मिला है, तो विंध 3 विधायकों के साथ मंत्रिमंडल में जगह पाने में सफल रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय संतुलन बनाकर बीजेपी ने 24 के समीकरण साध लिए हैं और आखिर ये क्षेत्रीय संतुलन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। आवाज मिल रही है आपको शर्मा जी? चलिए संपर्क करेंगे हम शर्मा जी के साथ। तो ब्रजेश जी, पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि हम दिन से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, तमाम सारे समीकरणों पर हमने इस पर चर्चा की है। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर ये मंत्रिमंडल हम देख रहे हैं कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसकी छत्रछाया में बना हुआ है, यानी लोकसभा चुनाव का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो बीजेपी हासिल करना चाहती है। जो ओबीसी का मुद्दा बन रहा था, विपक्ष ने जिस तरह से इसको मुद्दा बनाया, तो आप देखिए मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री ऐसे हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है। मालवा निवाड़ की वर्तमान स्थिति भी देखें हम तो बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, जो पिछली बार से 19 ज्यादा है, कुल 66 सीटों में से। बिल्कुल, तो मंत्रिमंडल में 7 मंत्री मिले हैं, मतलब उसी अनुसार तवज्जो दी गई है। पिछली बार हमने देखा बिंद में एक तरह से आरोप लगते थे कि जितना समर्थन बिंद ने दिया है उतनी तवज्जो बिंद को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार देखिए आप कि वहाँ 3 मंत्री बनाए गए हैं मंत्रिमंडल में। उप मुख्यमंत्री भी उसी क्षेत्र से आते हैं। जो सीटें पिछली बार 25 थी, इस बार एक बड़ी थी 30 सीटों में, तो उस अनुसार आप देखिए कि क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है। इसी तरह हम ग्वालियर चंबल की बात कर लें तो 4 मंत्री बने हैं, प्लस 11 सीटें हुई हैं, वहाँ से 18 सीटें मिली हैं। बुंदेलखंड की बात कर लें तो यहाँ 21 सीटें मिली हैं, 4 बढ़के मिली थी, तो आप 4 मंत्री देख सकते हैं वहाँ पर। मध्य क्षेत्र की बात करें तो 31 सीटें मिली हैं, यहाँ भी बढ़ोतरी हुई बीजेपी को 2023 में, 7 सीटें बढ़ी हैं, तो 6 मंत्री शामिल किए गए। महाकौशल की बात करें हम तो यहाँ पे 21 सीटें प्लस 8 सीटें हुई थी, तो 4 मंत्री बने। तो आप देखिए कि तमाम क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है, जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है, और ऐसा समुचित समन्वय वाला मंत्रिमंडल बनाया गया है जिसमें अनुभव भी है, युवाओं को भी मौका दिया गया है ताकि नई पीढ़ी एक तरह से आपको तैयार हो सके। युवा मुख्यमंत्री हैं, आप देखिए उनके साथ साथ जो पुराने जो मंत्री थे, 6 मंत्री हैं जिनको अनुभव है, बड़ा अनुभव है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, प्रहलाद पटेल की हम बात करें, मध्य प्रदेश में विधानसभा भले ही वो पहली बार सदस्य चुने गए हों, लेकिन मंत्रिमंडल में रहने का उनके केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो बड़ा अनुभव है। तो इस अनुभव के साथ साथ आप देखिए शिवाजी पटेल जैसे युवा भी हैं, कृष्णा गौर भी हैं, और पुरानों में आप विश्वास सारंग भी हैं, तो वो क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है। अनुभव और नए का भी एक संतुलन साधा गया है। हमने देखा कांग्रेस ने भी इसी दिन 2018 में किस तरह से सरकार बनाई थी और युवाओं को और वरिष्ठों को एक तरह से मिलाकर मंत्रिमंडल बनाया गया, तब कहा गया था कि हमने संतुलन साधने की कोशिश की, लेकिन उसमें एक खास चीज थी कि सबको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। बिल्कुल, यहाँ नए युवाओं को सीखने का पूरा मौका मिलेगा, जिस तरह से बीजेपी प्रयोग करती रही है नई पीढ़ी को आगे लगाने का लाने की कोशिश करती रही, तो आप देखेंगे कि इस मंत्रिमंडल में समुचित रूप से देखा जा सकता है कि कोई क्षेत्रीय असंतुलन नहीं है, जाति असंतुलन नहीं है, सभी को साधने का जतन किया गया, 4 पद रिक्त भी रखे गए हैं। यदि कहीं आपको लगता है कि भविष्य में कहीं पे आपकी कमी रह गई है तो उसको आप दुरुस्त कर सकते हो, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, इसलिए आधार पर वो रखा गया। तो आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मंत्रिमंडल बन रहा है, और ये पूरी जो मोदी की गारंटी है, मुझे लगता है कि उसको सक्षम तरीके से पूरा करने वाला मंत्रिमंडल है, कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी। जिन वरिष्ठों को यदि आपने घर बिठाया है या उनको ब्राम दिया गया है तो उनको पहले ही जिस तरह से गोपाल भार्गव की बात करें संकेत दे दिए गए थे, और निश्चित तौर पर आप लगातार हो तो नई पीढ़ी को आपको आगे लाना है तो सीखने का मौका तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि समन्वय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन के साथ जातीय संतुलन वाला है, और ये अपने काम से बेहतर तरीके से ये साबित कर देगा कि मंत्रिमंडल सही दिशा में बढ़ेगा या ये अभी देखने की बात होगी। लेकिन अभी तो हम कह सकते हैं कि चारों तरफ से इसको संतुलन साधा गया, चाहे क्षेत्रीय संतुलन हो चाहे जातीय संतुलन हो, मेरे हिसाब से तो मंत्रिमंडल बेहतर है, अनुभव भी है उसमें और युवा भी है और महिला भी है, खासकर 5 महिलाओं को शामिल किया गया है इसमें, पिछली बार की तुलना में ज्यादा। बिल्कुल, 3 ही थी पिछली बार। बिल्कुल,
तो शर्मा जी, चूंकि अब 163 सीटें, सबको मंत्री बनाया नहीं जा सकता था, तो किसी ना किसी को तो बाहर करना ही था। लेकिन जिस प्रकार से जीते हुए में जो पूर्व मंत्रिमंडल के 10 मंत्री बाहर हुए हैं और जो नए चेहरों को दिए, क्योंकि सबसे बुजुर्ग 68 साल के कर्ण सिंह वर्मा हैं और सबसे युवा 35 साल की प्रतिमा बागरी हैं, यादव भी हैं उसमें, छत्री भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, जैन भी हैं, कह सकते हैं सिख नहीं है, सिंधी नहीं है, बस इसमें दो समुदायों को छोड़ करके लगभग लगभग प्रतिनिधित्व है। सबसे ज्यादा ओबीसी हैं, फिर स्वर्ण समाज के हैं, आदिवासी 5 हैं, महिलाएं 5 हैं, दलित समाज के लोग हैं, तो इस प्रकार से एक संतुलित जो है बनाया गया है। लेकिन 3-4 सवाल इसमें हैं। जी, पहला सवाल तो ये है कि सागर जिले का है, सागर जिले में मूल भाजपा के लोगों को छोड़ करके, और अब तो गोविंद सिंह राजपूत जी भाजपा के ही हो गए लेकिन सिंधिया समर्थक हैं, तो एक एक तो ये चर्चा हम सुन रहे हैं कि सागर में मूल लोगों को छोड़ करके और बाद एक शामिल किया गया है। दूसरा जो है, एक दो मिथक टूटे हैं इस सारे चुनाव में, मंत्रिमंडल के गठन में जी। पहला ये कि अब सीनियर और जूनियर का कोई मायने नहीं है, क्योंकि यदि कोई बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है वो ऑटोमेटिक सीनियर हो जाता है, ऐसी एक अवधारणा बन गई। पहले गोरजी और कैलाश जोशी जी जो मुख्यमंत्री रहने के बाद मंत्री बने थे, तो उनके उन्होंने कई दिन तक तो इसी बात पर जो है मंत्रिमंडल नहीं बन पाया था कि हम तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब मंत्री क्या बनेंगे। तो यहाँ राष्ट्रीय महामंत्री जो है अपने एक संभाग के नेता के अधीन जो है मंत्री बन गया, ये केंद्रीय मंत्री जो है फिर मंत्री बन गया, तो इससे एक मिथक ये टूटा है कि अब राजनीति में पदों की नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का एक बड़ा मामला हो जाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नए जो पहली बार के विधायक हैं, अब उनको उनकी प्रतिभा और उसके लिए आकलन कराने की जरूरत नहीं है, क्षमताओं का वो नेतृत्व पहले से देख लेता है काम करते हुए कि भाई यदि नरेंद्र शिवाजी पटेल और प्रतिभा बागरी जो है वो पहली बार चुन करके आए हैं तो उनको मंत्रिमंडल में इसलिए लिया जा सकता है कि उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानकारी है। तो अब आपको परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, अब आपको केवल केंद्रीय नेतृत्व की नजरों में परफॉर्मर होना चाहिए और प्रादेशिक नेतृत्व की नजर में भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 2-3 बातें जो है इस मंत्रिमंडल की रही। महिलाओं का बड़ा प्रतिनिधित्व है, आपने भी कहा है, और खास बात यह है कि कुछ आदिवासी महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व इसमें है, दलित महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व इसमें है, ओबीसी की महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व है। तो इस तरीके से एक अच्छा संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें मंत्रियों के पास अनुभव भी है, सरकार चलाने का भी अनुभव है, संसदीय अनुभव भी है, और कुछ लोगों को, अब ठीक है कर्ण सिंह वर्मा जी बुजुर्ग है तो वो एक ओबीसी का और सीहोर जिले का मामला था जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं। एक और जो है मैं बात जो कही है मैंने, और वो मैं आपके साथ भी साझा करना चाहता हूँ, वो ये है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन के समय ये बात ध्यान रखा गया है कि एक 17 वर्ष के मुख्यमंत्री को हटा करके उनके स्थान पर एक युवा और एक नए ऊर्जावान मंत्री व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो उनके बीच में समन्वय कैसे हो इसके लिए कुछ प्रभावशाली लोगों को मंत्री बनाने का काम किया गया। कैलाश जी, प्रहलाद जी इसमें से उल्लेखनीय नाम हैं, तो इनसे एक समन्वय बनेगा। मैं ये कह सकता हूं दूसरी भाषा में कि मध्य प्रदेश में भी अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर की तरह धारा 370 को हटाया है, उसके लिए इंटरनेट को भी बंद किया गया है, उसके लिए फोर्सेस को भी सेलेक्ट किया गया है और सारी व्यवस्थाएं वही की गई हैं ताकि मध्य प्रदेश में धारा 370 हटने के बाद किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन शर्मा जी, आपने कहा एक प्रतिभा देखी गई है केंद्रीय आलाकमान ने, तो क्या आपको लगता है कि शिवाजी पटेल की बात कर रहे हैं आप, चाहे प्रतिभा बागरी कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रतिभा की बदौलत वहां पहुंची है या जातीय समीकरण साधने के लिए, राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इनका चयन हुआ है? देखिए, राजनीति में कोई एक चीज तो रहती नहीं है, कई बार क्या होता है कि कोई चीज माइनस दिखती है तो कोई चीज ज्यादा प्लस दिख जाती है, लेकिन नरेंद्र शिवाजी पटेल का आपने सबसे पहले नाम लिया है तो मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के संगठन के बीच में काम किया है, उनके पिताजी पहले विधायक रहे हैं इसलिए उनके पास अनुभव है, और नेताओं के नजदीक होने का कई बार लाभ मिल जाता है और वो लाभ उन्हें मिला है, और निश्चित रूप से वो अपने लाभ को दिखाएंगे कि उनमें क्षमता है।
तो आपने लेकिन 370 का जिक्र किया था, तो उस समय लेह लद्दाख को अलग बना दिया गया था स्वायत्त प्रदेश, इसमें लेह लद्दाख आपको कौन नजर आ रहा है? नहीं, अब देखिए, मैंने तो सबसे पहले यहीं से बात शुरू की थी कि यदि सागर जिले के लोगों को शामिल नहीं किया गया तो उसको क्या समझेंगे भाई। अब गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह दोनों को हटा दिया और गोविंद राजपूत जी को लिया गया है, तो गोविंद राजपूत जी भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, हम उनके विरुद्ध नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक समीकरण के लिए मैंने ये टिप्पणी की है कि यदि मान लो गोपाल भार्गव और इनको हटाया जाना हो, बुंदेलखंड के ही जयंत मलैया जी को हटाया जाना हो, तो बुंदेलखंड में भाजपा का प्रतिनिधित्व यदि गोविंद राजपूत जी करेंगे तो ये भाजपा का निर्णय है, सम्मान करना चाहिए उस निर्णय का, उसमें क्या दिक्कत। लेकिन फिर भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव ही क्यों करें, ये भी एक सवाल है ना, क्योंकि लंबे समय से मंत्री हैं। लेकिन ब्रजेश जी, जो हमने देखा कि समीकरण की बात, एक बात कह दूं मैं जी, कि यहाँ व्यक्ति का मामला नहीं है, यहाँ भाजपा और भाजपा में आए हुए नेताओं का मामला है। यदि अन्य किसी को भी बनाया जाता तब भी हमें कोई आपत्ति आज भी नहीं है, हमें हम कौन है आपत्ति करने वाले, लेकिन एक समीक्षात्मक रूप से गोपाल भार्गव और हाँ ये उसका उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में करते हैं। चाहे प्रदीप लहरिया का नाम खूब चला था तो क्यों हट गया। बिल्कुल, तो ब्रजेश जी नाम तो कई सारे चलते हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि मालवा निवाड़ को जितना प्रतिदिन मिल गया 48 सीटें हैं, 7 मंत्रिमंडल बन गए, पिछली बार की अपेक्षा 19 ज़्यादा जीती, लेकिन विंध्य 30 में से 25 सीटें जीती लेकिन 3 ही मंत्री बने, कहने के उप मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं। बुंदेलखंड की बात है, शर्मा जी जो सागर का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड को भी उतना प्रतिनिधित्व मिला नहीं है क्योंकि 21 सीटें जीती, हालांकि 4 मंत्री बनाए गए कहने को तो वहाँ भी। लेकिन मनोज जी, हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि मालवा निवाड़ कितना महत्वपूर्ण है, यदि सत्ता में आप आते हैं सर्वाधिक सीटें आप देखिए 66 सीटें हैं वहाँ पे मालवा निवाड़ में, 48 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। पिछली बार मालवा निवाड़ में जो गच्चा मिला था उसकी वजह से आप कह सकते हैं सत्ता से बाहर हो गए। बिल्कुल, तो वहाँ पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी आपको प्रतिनिधित्व मिले, बढ़त मिले, उसको ध्यान में रख कर जो शर्मा जी भी कह रहे हैं प्रतिभा चीज होती है, एक राजनीतिक नफा नुकसान देखा जाता है, उसके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन आपने जो जिक्र किया शर्मा जी ने कि गोविंद सिंह राजपूत, तो जिस तरह से बीजेपी कहती है कि हम अब तो सब भाजपा ही हो गए, किसी एक दल के नहीं है, तो आप यदि उनको इस नज़रिए से देखें, इस चश्मे से देखें कि वो सिंधिया के साथ आए थे, तो इस नाते तो मतलब कोई मंत्रिमंडल में होने नहीं चाहिए। आप परिस्थितियाँ देखिए, पिछली बार कितने थे और इस बार कितने, तब परिस्थितियाँ अलग थी। बिल्कुल, बीजेपी जिस तरह से जनाधार वाले नेताओं को लगातार अपनी पार्टी में ला रही है, चाहे हम असम की बात कर लें, वहाँ तो सीएम को ही बना दिया उन्होंने, हेमंत बिस्वर्मा को, पश्चिम बंगाल में हम देख लें कि नेता प्रतिपक्ष है, तो यदि एक संदेश ये भी अधिकारी को बनाया गया, बिल्कुल एक संदेश ये भी तो उन लोगों को देने की जरूरत है ना पार्टी को, जो नफा नुकसान की हम बात कर रहे हैं कि भाई आप हमारे पास आओगे तो पर्याप्त आपको सम्मान मिलेगा, यदि आप जनाधार वाले नेता हो, लगातार जीत रहे हो, तो आपकी उपेक्षा नहीं होगी, इस नाते नहीं होगी कि खाटी बीजेपी का उस क्षेत्र से नेता आता है। 77,000 से जीत रहा है कोई 2,500 से, तो जनाधार तो फिर किसका, ये पैमाना भी नहीं हो सकता ना मनोज जी के मंत्रिमंडल में, यदि इस पैमाने के हिसाब से आप लेने जनाधार की केवल बात, 1,00,000 से जीत रहा है या 50,000 से जीत रहा है, तो फिर प्राथमिकता अलग हो जाएगी। 1,00,000 वाले तो 3 बार से प्रतीक्षा कर रहे हैं रमेश बिंदोला। हाँ, तो आप देखिए 3 बार से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन असर कितना है ये महत्वपूर्ण है कि यदि आप प्रभुराम चौधरी सर्वाधिक मतों से जीत जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा से जीत जाते हैं, यदि आप देखिए कि रमेश बिंदोला ज्यादा जीत जाते हैं, तो क्या वो इतनी क्षमता रखते हैं कि आसपास की सीटों को प्रभावित कर सके, या उनका इतना वोट बैंक है, या उनका ऐसा जनाधार है, ये बहुत सारी चीजें रहती हैं जिनको आप देख सकते हैं। एक तो नफा नुकसान देखा जाता है, जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, क्षेत्रीय संतुलन देखा जाता है, और आपको यदि मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है तो कितना लाभ हो सकता है, क्या कैलाश विजयवर्गीय को इस आधार पर ही लिया गया है कि इस आधार पर ही लिया गया होगा ना कि वो एक प्रभावशाली नेता है, उनके प्रभाव का पार्टी को प्लस मिलेगा। क्या आप देखिए कि गोपाल भार्गव, हम कह रहे हैं कि लगातार वो इतने सालों तक 18 साल तक मंत्रिमंडल में रहे, तो क्या गोपाल भार्गव में वो क्षमताएं थी, या उन्होंने वो साबित की कि वो आसपास की 10 सीटें जिता सकें, वो एक सीट जिताने तक केंद्रित रहे। रमेश बिंदोला की भी हम बात कर लें, लेकिन ये पार्टी का निर्णय हो सकता है कि उन्होंने शिवाजी पटेल में वो देखी हो, या उनको लगा हो कि युवा नेतृत्व है, इनसे आगे जाकर राजनीतिक फायदा मिल सकता है, प्रभावशाली बन सकते हैं, क्योंकि मौका तो आपको देना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया आपने, बाकी के नेताओं को दिया, तब तो ये बड़े नेता बने हैं ना मनोज जी, या शुरुआत से तो बड़े नहीं हो गए थे ना, प्रहलाद पटेल हुआ हो, या आप कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लीजिए, अन्य नेताओं की बात कर ली, इनका बड़ा कद भी तो पार्टी ने बनाया है, तो यदि आप नए लोगों को मौका नहीं दोगे
तो बड़ा कद कैसे मिलेगा, नए ऐसे नेता कहां से आप डेवलप कर पाओगे, अचानक तो कोई बनता नहीं है। मौका दिया, मौके में जो आदि सटीक बैठता है, उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो निश्चित तौर पर उसको आगे मौका मिलता है। और जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तमाम समीकरणों पर खरा नहीं होता था, उसको किनारे करके नए को मौका देते हैं ताकि वो हो सके। तो ये जो बदलाव की जो बाहर है, जो बदलाव इसी तरह से हुए ना, संगठन में बीजेपी ने बदलाव किए तो आप देखिए परिणाम। केंद्रीय नेतृत्व तारीफ कर रहा है आज की तारीख में कि आपको संगठन आपने युवाओं को सौंपा, किस तरह से आपने वोट प्रतिशत में बड़ा इजाफा किया, बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया। इसके संगठन की फायदा हुआ, लेकिन शर्मा जी जो 16 मंत्री जीते थे पिछली सरकार के, उनमें से 10 बाहर कर दिए, कई जैसे गोपाल भार्गव हो गए, भूपेंद्र सिंह की बात है, हरदीप सिंह डंग हो, ओम प्रकाश सकलेचा हो, ऐसे तमाम बड़े सारे नाम बाहर हुए। इसके पीछे क्या कारण माना जाए कि पिछले मुख्यमंत्री से नजदीकी या नए मंत्रिमंडल के नए समीकरण में ये फिट नहीं बैठ रहे? नहीं, हाईकमान को जो लग रहा है ना वो हो रहा है, यहाँ कोई तर्क नहीं है। और आप भी जानते हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि इस समय का जो दौर है भाजपा का, उसमें कोई तर्क और कोई समीकरणों की बात ही नहीं है, उनको जो जम जाता है वो सही है। इसलिए ओम प्रकाश सकलेचा जी को पहले एक समय था कि पटवाजी नहीं बनने दे रहे थे, और जब पटवाजी से बड़ी मुश्किल से उनका राहत मिली और मंत्री बने वो, तो अब ये नए समीकरण आ गए। तो इन नए समीकरणों में तो पटवाजी के भतीजे भी नहीं है ना? नहीं, पटवाजी इसलिए केवल नहीं, पुराने नेताओं में तो हमें केवल इनका ध्यान आता है, विश्वास सारंग जी का ही, बाकी तो पुराने नेताओं के पुत्र कहाँ है? बिल्कुल, तो ना तो सकलेचा जी के हैं, ना पटवा जी के हैं, सारंग जी के बेटे हैं। तो यदि इस एंगल से देखा जाए तो, हालांकि मुझे लगता है कि बेटे भी चुनाव हार गए, तो वो तो वैसे भी पार्टी छोड़ गए थे। बिल्कुल, वो तो पार्टी में ही नहीं थे, वो तो पछता रहे होंगे कि मैं गया क्यों, क्योंकि वो तो कहीं से लड़ते जीतते, ये माहौल ही ऐसा था। लेकिन केवल एक जो है अपने ठाकुर साहब जीत के आए हैं बस बदनावर से, बाकी के तो भाजपा छोड़ के जाने वाले सारे ही हार गए लगभग। बिल्कुल, पर कुल मिलाकर की ये है कि इस समय जो चुनाव के बाद का 163 सीटों में से जो चयन हुआ है वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सवाल और रहेगा मनोज जी, जिसकी चर्चा संभवतः होना चाहिए। बिल्कुल करिए ना। रितु पाठक जी जो है, मैं इसी बार आने वाला था आपके पास जी। हाँ, वो भी पार्लियामेंट की मेंबर थी और बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र ने काफी अच्छा प्रभाव भी दिया है। पिछली बार की हाइएस्ट सीटों में भी एक प्लस कर दी उनने, इसके बाद भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, और संसद से भी विधानसभा में वो सामान्य विधायक के रूप में बैठेंगी। अभी हो सकता है अगले दौर में कुछ लोगों को स्थान मिल जाए, इस उम्मीद के साथ वो प्रसन्नता का गुब्बारा जो है फूला रहेगा। नहीं, हो सकता तो है, मुझे होना, क्योंकि जो संसद से जिन सांसदों को मंत्री बना दिया गया है, इस्तीफे हो गए हैं उनके, तब उनकी जगह लोकसभा के लिए भी तो नए आदमी चाहिएंगे, तो हो सकता है इनमें से कुछ को लोकसभा लड़ा दिया जाए वापस। रितु पाठक उनमें से एक नाम हो सकती है। आप कुछ भी अपन कल्पना कर सकते हैं, ये तो जायज जमने वाली बात भी है कि मंत्रिमंडल का जो है यहाँ गठन होने के बाद और ये हो गया। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल संतुलित है और एक ऐसा समन्वय बैठाया गया है कि सरकार चलाने में अच्छा आनंद आएगा। और आप कई दिनों के बाद ये लग रहा है क्योंकि पहली बार एक चीज मनोज जी आपने देखा होगा कि जो विरोध का स्वर मंत्रिमंडल के बाद उठा करता है वो बिल्कुल नहीं उठा, किसी ने किसी प्रकार का कोई नहीं किया और सब ने यही कहते हुए दिखाई दिए हैं कि बहुत अच्छा मंत्रिमंडल है, संतुलित मंत्रिमंडल है। और जनता के बीच में भी कोई बहुत बड़ी आवाज नहीं आई, जैसी आवाज शिवराज जी को हटाने के बाद शिवराज जी के पक्ष में आई थी, ऐसे मंत्रिमंडल गठन को लेकर के किसी प्रकार का कोई विरोध का स्वर सुनाई नहीं दिया। तो आपको लगता है ऐसी परिस्थितियां हैं आपके विरोध के स्वर उठ सकते हैं जैसे पहले उठ जाते थे, कभी अजय बिश्नोई जैसे विरोध के स्वर उठाते थे, गौरीशंकर सेजवार उठाते थे, बाबूलाल गौर उठाते थे, लेकिन अब उठने की वैसी परिस्थितियां नहीं है। शायद बीजेपी में ये डर भी है एक तरह से। और जो आपने कहा नर्दांचल भी जीरो रहेगा इस बार, और विदिशा की भी जो बात है, विदिशा जिले से भी कोई नहीं आया। नहीं, मध्य क्षेत्र से 6 लोग मंत्री, आप ही दिखा रहे हो स्क्रीन पर, ये मध्य भारत से जो है 6 मंत्री बन गए, चाहे फिर राजगढ़ जिले के ले लिए होंगे एक दो, तो एक वो संतुलन बना लिया होगा। लेकिन एक बात तो है कि विदिशा जिले से मंत्री बनाने भोपाल से 2 लोग हो गए ना। नहीं, भोपाल से पहले भी 2 रहते थे मनोज जी, मंत्री बाबूलाल गौर जी रहते थे, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, बाबूलाल गौर जी रहते थे, सब अपने मंत्रिमंडल में 2 लोग भोपाल के रहे हैं पहले। तो ये तो पिछली बार में कम हो गया था, एक भोपाल का प्रतिनिधित्व घट गया था, इसलिए जो है ये कहा जा सकता है कि इस बार भोपाल को एक उपयुक्त स्थान मिला है। आप देखो जबलपुर के 2 लोग आ गए, अपन ये कैसे मानेंगे? जबलपुर भाई, प्रहलाद जी मूल रूप से रहते तो जबलपुर में ही है ना, वो तो ठीक है नरसिंहपुर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन निवास तो जबलपुर में ही है ना उनका जी।
और इसी प्रकार से अन्य शहरों से कई शहर जिनसे दो लोग लिए गए हैं महानगरों में से, तो पर ये कि कुछ जगह नहीं लिए गए। अब कई जगह इतने बड़े आदमी आ गए कि उनके कारण भी कई लोग रह गए, बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कहाँ पैदा होता है करके, कैलाश जी के कारण जो है कई लोग रह गए, लेकिन चूंकि कैलाश जी की जरूरत थी, कैलाश जी की योग्यता है, वो बहुत ही प्रभावशाली आदमी है, सारा संतुलन बनाने की ताकत रखते हैं सदन में वो चूंकि विधायक रहे हैं पहले लंबे समय तक, तो उन्हें ये मालूम है कि विधानसभाओं में कैसे बोला जाता है और विधानसभा में कैसी बातें की जाती है। तो राज्य जी एक और चीज है ना कि जो शर्मा जी ने कहा प्रभावशाली, तो संसदीय कार्य मंत्री कौन, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट का आदमी चाहिए, और एक मंत्रिमंडल के बाहर की एक तस्वीर है वो अपने आप में उसका जिक्र इसलिए दिलचस्प है क्योंकि उससे जुड़ा हुई है कि नरोत्तम मिश्रा, कि तमाम सारे जो मंत्री बन रहे हैं वो जो नहीं बन रहे थे वो बनने के पहले उनके घर जाते हैं, बनने के बाद उनके घर जाते हैं, तस्वीरें आती मुस्कुराते हुए, तो ऐसा लगता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में कई लोगों को मंत्री बनवा रहे हैं। इसमें भी कुछ संकेत छुपा है कि इस मंत्रिमंडल से जुड़ा? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि मनोज जी आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कोई किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहा है, बन गया हो यो कुछ है, वो तो सब दिल्ली से होता है। ये बीजेपी की एक परंपरा रही है, समन्वय बनाते हैं, कैलाश जी के भी उनसे अच्छे संबंध, बाकी मंत्रिमंडल से भी, कभी वो नंबर दो के मंत्री कहलाते थे मध्य प्रदेश में, तो आप देखिए संकट मोचन कहलाते थे। इससे पहले आप देखिए ये भूमिका कौन निभाता था, हमने उमा भारती के शासनकाल में देखा यही रोल निभाते थे कैलाश विजयवर्गीय भी, बहुत समय तक हमने देखा है कि शिवराज सिंह का पहले कार्यकाल में भी एक तरह से यही भूमिका रही, कभी भी सरकार पर संकट आया या फ्लोर मैनेजमेंट करना हो, जो नरोत्तम मिश्रा को हम बाद में देखते आए, ये सब मिलकर करते रहे हैं, ये अनुभव रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब वो दायित्व हो सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय निभाएं फ्लोर मैनेजमेंट का, और भार एक तरह से भले ही नंबर दो नंबर तीन चयनित हो गए हों उप मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन असलियत में जो सरकार का कामकाज होगा उसमें हो सकता है नंबर दो की हैसियत में आपको कैलाश विजयवर्गीय भी दिखे, जैसे कि नरोत्तम मिश्रा दिखे थे कि वो सरकार के प्रवक्ता के रूप में आपको बातचीत करते दिखेंगे, सरकार के बारे में बताते रहेंगे, और लोकप्रियता भी है उनकी, और जिस तरह से मीडिया में वो उपस्थित रहते हैं, मीडिया फ्रेंडली भी हैं, तो उसका पार्टी उपयोग कर सकती है आज की तारीख में, और उनका दोनों का डॉक्टर मोहन यादव का उसके बीच में तालमेल भी बेहतर है। तो मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं, अभी संभावना जता सकते हैं कि वो रोल इस बार कैलाश विजयवर्गीय निभाते नजर आएंगे। राय अंदर की बात तो जाएंगे, तब नरेंद्र सिंह तोमर को हम भूल नहीं सकते हैं कि यदि समन्वय बनाने का काम है तो एक तरह से सदन के अंदर वो संवैधानिक पद है उनका, हालांकि वो वहाँ समन्वय बना सकते हैं, बाहर भी वो पार्टी को गाइड कर सकते हैं, जिस तरह से वो सभी में एक तरह से सबको साथ लेकर चलने की जो उनकी शैली है उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। जी सर, कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था संसदीय कार्य मंत्री के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम पहला तो है ही, लेकिन विश्वास सारंग को भी संसदीय कार्य मंत्री के रूप में देख सकते हैं, फ्लोर मैनेजमेंट के मामले में हम सब लोग देखा करते थे काफी सक्रिय रहते। जी तो ये एक सुझाव है आपका, हो सकता है कि मंत्रिमंडल के जब पोर्टफोलियो बटन को ध्यान रखा जाए। नहीं, कई बार होता है, कर रहा हूँ। नहीं, कई बार होता है, ये उनकी खासियत बताइए, और पार्टी निश्चित तौर पर इस पर ध्यान रखती होगी, नए लोगों को मौका दे। नहीं, मैंने 6 साल पहले सुझाव देना बंद कर दिया। नहीं, हम तो अभी भी इसको सुझाव ही मान रहे हैं, बहरहाल अब समय की कमी है इसलिए चर्चा को बाद में आपके इन सुझावों को ले लिया जाता होगा। कई बार हमने देखा जहां आप चर्चा करते हैं वो वहाँ पे असल में होती ही नजर आती है। जी चलिए, अब समय की कमी है, इस पर फिर कभी और चर्चा करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सिपा सलार चुन लिए हैं जिनके ऊपर अगले 5 साल प्रदेश को आगे ले जाने का जिम्मा है, और सब वर्ग को, सब जातियों को, सब क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन 52 जिले हैं और 230 सीटें हैं और बीजेपी की खुद की 163 सीटें हैं और लिमिटेड संख्या में आप मंत्री बना सकते हैं, तो जाहिर सी बात है सबको खुश नहीं रखा जा सकता, कुछ सीनियर को बाहर भी करना पड़ेगा, कुछ नए लोगों को मौका भी देना पड़ेगा। अब ये नए लोगों पर भी है कि वो जिन भरोसे के साथ पार्टी ने उन पर भरोसा किया है वो उस भरोसे पर खरा उतरें, और उम्मीद की जाना चाहिए विपक्ष भी प्रदेश को आगे बढ़ाने की इस मूवी में सत्ता पक्ष का साथ देता नजर आएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। मैं